हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है अंजनी सुरभि ब्लॉग में। मैं सुरभि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। तो हाजिर है हम नई वीडियोस के साथ और नए दिन के साथ, और हम आपके साथ डेली रूटीन वीडियो शेयर करते हैं। और आज का हमारा जो ब्लॉग है, हम खूबसूरत से पाल लें और कान्हा जी की पोशाक शेयर कर रहे हैं। जो कि मतलब इसमें चॉइस करना बहुत बहुत ही डिफ़िकल्ट है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि एक से भर के एक पोशाक बगैर कान्हा जी की, देखिए सेट है उनका और मुकुट, एक से एक मुकुट है, मतलब पूरे छोटे छोटे टॉप्स हैं बहुत ही खूबसूरत से। देखिए और कारीगरी काफ़ी अच्छी जिसने भी बनाया है। देखिए बहुत, अब तो बहुत ही ज़्यादा। और पाले ये देखिए, छोटे छोटे पाले हैं, बड़े सारे सब साइज़ के पाले हैं। तो हम आपको पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, हम आपको बहुत इसके बात तो आपको और भी बहुत अच्छा लगेगी, क्योंकि इसमें हमने पाले और भी पाले बहुत अच्छे दिखाए हैं, जैसे कि मिट्टी के भी हैं। और वैसे देखिए हम जा रहे हैं मिट्टी के पास। मिट्टी के पाले मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे यही लगता है मुझे। और एक से एक चले जी। और चले आगे पीछे कुछ और मिट्टी के लिए। तो फिर हम आगे बढ़े, हमने आगे वाली शॉप भी आपको देखी, मतलब वहाँ की जो कमला की मार्केट है उसके थोड़ा सा आगे आप चलते जाओगे ना, तो वहाँ पर काफ़ी दुकानें लगी हुई हैं इस तरह से। और देखिए कितना बड़ा पालना है कान्हा जी का, तो खूबसूरत सा लग रहा था, मतलब सब साइज का है। ऊपर भी मेरे ऊपर देखा, मेरे काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और ये देखिए हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं, मेरे साथ अंजनी भी आई, पर वो बार बार ये कह रही चलो मम्मी चलो, और उसको नींद आ रही है। हम आए थे इस समय शाम, रात के समय आए थे, जैसे खाना पीना फ्री हो गया रात के 9 बजे के बाद। तो इधर 9 बजे के बाद पूरा मार्केट खुला रहता है यहाँ पर, तो सोचा हमें पूरा फ्री होके तब चलेंगे तो आराम से, पर उसको आ रही थी नींद। और ये देखिए इस तरह से, ये जो छतरी वगैरह मैंने आपको दिखाई थी हमारे घर में जो टॉयस थे, वो भी यहाँ पर सेल हो रहे हैं इस तरह से। और ये देखिए छोटे से, मतलब बिल्कुल मुकुट है, ये मुकुट के भी डिज़ाइन एक से एक है, मतलब मेरे कान्हा जी के साइज सब साइज की। और ये मिट्टी के पहले जो हम जब बनाते थे झांकी बनाते, झांकी तो झांकी मिट्टी के खिलौनों की बनाते थे, उसको सजाती थी। ये कैसे दिए भैया पेड़ वाला हो कान्हा जी? हाँ 500 रुपये। ये प्राइस बताएंगे इसके इसके ये 480 रुपये का 480 रुपये का। और ये बड़ा वाला, ये वाला हाँ
काला ही पड़ जाएगा क्या? काला पड़ जाएगा ही मैम, अगर इसे पानी लगेगा तो काला पड़ जाएगा, तो भाई कुछ नहीं होगा इसका, बस इसे सूख के कपड़े साफ करते रहो, कुछ नहीं बिगड़ना। मन ये काले पड़ जाएंगे पानी, वैसे काले पड़ जाएंगे नहीं, अरे पॉलिश हो रही है इसको काले क्यों पड़ जाएंगे? पिछली शादी मैंने बेचे थे, अभी तक तो किसी में शिकायत नहीं आई, तो नहीं बिकते मेरे पास ये चीज़। सही बात, चलिए देख। थोड़े ठाकुर जी हैं, छोटे से ही, ये तो नहीं, इसमें तो नहीं आएंगे, इससे बड़ा मिल जाएगा, दो नंबर का मिल जाएगा, 250 रुपये का। मेटल का है? 260। 260 का। ये मेटल का है, काला पड़ जाएगा क्या? एकदम नहीं, जैसे कि रखे रखे काले पड़ जाते हैं। नहीं, वो तो होता है, कहते हैं साफ हो जाता है। और क्या? हमने बहुत खूबसूरत पालने वगैरह देखी और पोशाक देखी, यहाँ पे पालने की चीज़ देखी, वह मिट्टी के जो पाला था वो 500 रुपये की रेट में दे रहे थे, कुछ कंपनी में सबकी अलग अलग थी, और लेकिन जो मेटल का मैंने देखा था उसकी रेट मुझे कम लगी जो उसके अकॉर्डिंग थी। तो आज का ब्लॉग आई होप सो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कि हम आपके साथ अभी डेली रूटीन ब्लॉग शेयर करते रहते हैं। तो फिलहाल तो आप सबको जय श्री कृष्णा, क्योंकि इस समय जन्माष्टमी थी। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।